गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यह क्लास आपको आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, चाहे आप डिफेंस, टीचिंग, बैंकिंग, SSC, इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के बारे में जानेंगे, पेनल्टी ऑन एक्सिस बैंक के बारे में जानेंगे, रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में जानेंगे, फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर के बारे में जानेंगे, गरिमा गृह के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 30th जुलाई। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। ट्रैफिकिंग होती क्या है? बेसिकली जो ये आपके ये जो इंसान होते हैं, इनको लाइक ज़बरदस्ती लाइक एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ख़रीदना बेचना, या इनको बंधुआ मजदूरी बना के रखना, ये सब ट्रैफिकिंग के अंडर में ही आता है। अब ये देखते हैं इंडिया में क्या क्या स्टेप्स हैं इनको रोकने के लिए। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, Article 21, इट डील्स विथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Anuchhed 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। Article 23 प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर, मतलब कि कोई भी ज़बरदस्ती किसी को, मतलब बंधुआ मजदूरी जो होती है उसको रोकता है Anuchhed 23। Article 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। Anuchhed 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। Article 39 डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड टू सी द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट एब्यूज्ड एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशंस अनसुइटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। वट डज इट मीन? Anuchhed 39 राज्य को श्रमिकों पुरुषों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य को सुरक्षित करने के लिए निर्देशित करता है। Article 42 डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक प्रोविजन्स फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। Anuchhed 42 राज्य को निर्देश देता है कि वह काम की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करें। ये आपके अनुच्छेद हैं जो कि इंडिया में हैं। आप एक ये आपके फोर्स्ड लेबर, आपके मतलब इन शॉर्ट ये ट्रैफिकिंग के खिलाफ, जो कि ट्रैफिकिंग को रोकते हैं। आज भी ट्रैफिकिंग काफ़ी हद तक की जाती है, तो ये यहाँ पे है। और वर्ल्ड के लेवल में आप ये बताइए कि हमने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पाए थे, कौन सा ऐसा गोल है जो कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। RBI हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5 crore ऑन एक्सिस बैंक। RBI ने एक्सिस बैंक पर 5 crore रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI बेसिकली एक कंट्रोल करता है आपके इंडिया के जितने बैंक्स हैं उन सबको, और कोई भी अगर उसकी गाइडलाइंस के उल्लंघन करता है तो इन पर पेनल्टी लगाता है। रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा जानते हैं। इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, दैट इज़ इन महाराष्ट्र। ये इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। इसको अभी मैप में देखेंगे, पहले एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई और इसकी टैगलाइन है, बढ़ती के नाम जिंदगी। चलिए महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं। यहाँ पे आप अपना प्यारा मैप देख पा रहे होंगे, जो कि आप महाराष्ट्र यहाँ पे देख रहे हैं आपको। यहाँ पे आप महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई देख पा रहे हैं। ऊपर गुजरात है, नीचे मध्य प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ तेलंगाना, यहाँ कर्नाटक, यहाँ गोवा, इधर अरेबियन सी हो गया, और इधर ये गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बात, और ये यूनियन टेरिटरी जो कि एक हो गई है, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ट्रांसजेंडरों के लिए सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण प्रदान किया है। कर्नाटक के बारे में थोड़ा जानते हैं।
इसकी कैपिटल बेंगलोर है, गवर्नर थावरचंद गहलोत जी हैं, सीएम बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक का मैप देखते हैं चलिए। ये इंडिया का प्यारा मैप देख पा रहे हैं, जहाँ पे कि कर्नाटक आपको साउथ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ऊपर आपका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ कर्नाटक हो गया, यहाँ बेंगलोर, इधर तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम, गोवा पणजी। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। टेम्पल टाउन ऑफ पुरी इन ओडिशा बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम टैप। पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जो कि अच्छी गुणवत्ता का पानी प्रदान करेगा टंकी के माध्यम से। आप ये बताइए, ये पानी से रिलेटेड आपके किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहा गया है? एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हमने वीडियो बना रखी है, एक बार वो नज़र डाल लें, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अपने ओडिशा को देखते हैं मैप में। आप यहाँ अपना प्यारा भारत देख ही पा रहे हैं, ये आपको इधर दिख पा रहा है आपका ये ओडिशा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, इधर आपका ये क्या है, यह नाम आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आगे आप ये देख पा रहे हैं, ओडिशा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल जी हैं, सीएम नवीन पटनायक जी हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू सेट अप गरिमा गृहस फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर। भारतीय सरकार ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए गरिमा गृह शुरू करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंदौर हैज़ बिकम द ओनली सिटी फ्रॉम द कंट्री टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। इंदौर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। आप जानते हैं हमारे देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो कि एमपी में पड़ता है। थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं, फिर मैप में देखेंगे इंदौर को। स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम इसे US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया है और विश्व संसाधन संस्थान और पर्यावरण रक्षा कोष के नेतृत्व में निम्न और मध्यम वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉन्च द प्रोग्राम टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन अलोंगसाइड अ ग्लोबल कंसोर्टियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लेड बाय वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड एनवायरमेंटल डिफेंस फंड। चलिए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। अपना प्यारा देश देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र, इधर गुजरात। चलिए एक बार देख रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा है। RBI ने एक्सिस बैंक पे पेनल्टी लगाई है, रिजर्वेशन आपके कर्नाटक ने प्रोवाइड करा दिया है, फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर पूरी बनी है, गरिमा गृह इंडिया गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने जा रही है, इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए इंदौर को चुना गया है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप PDF नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें और अपना PDF प्रोवाइड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो गुड बाय, टेक केयर।